चाहे आप भक्ति योग कहें, या फिर आप प्रेम योग, या फिर ज्ञान योग, चाहे आप इन अलग अलग मार्ग को समझें, तो भिन्नता इनमें कुछ ऊपर ऊपर से देखेंगे तो लगेगा कि काफ़ी डिफरेंट है ये। लेकिन अभी तक आप इस बात को समझ रहे होंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ गहराई है ध्यान की, यानी कि मुक्ति का जो मार्ग है, मोक्ष का जो मार्ग है, वो जो मार्ग है उसमें बस ये अलग अलग डेप्थ्स हैं। क्लास फर्स्ट भी होती है, क्लास फिफ्थ भी होती है, क्लास ट्वेल्थ भी होती है, PhD भी होती है। फिफ्थ क्लास, सिक्स क्लास रॉन्ग नहीं है, वैसे ही ट्वेल्थ क्लास रॉन्ग नहीं है, PhD सही है और सेवन्थ क्लास रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। ये सब डेप्थ्स है पढ़ाई की। बिल्कुल उसी प्रकार से ये जो मार्ग है, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, प्रेम योग, ये सब अलग अलग डेप्थ्स हैं। इस हर मार्ग से आपको पहुंचना वहीं पर है। अगर कृष्ण जी से जब यही प्रश्न पूछा गया था कि भक्ति योग कैसे समझाएंगे, तो उन्होंने कुछ बहुत ही खूबसूरत वचन बोले थे। तो वो कहते हैं कि चार प्रकार के सिनेरियोज है जिसमें इंसान भक्ति मार्ग पर आता है। पहला जो सिनेरियो है वो ये है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा एंजाइटी में होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, टेंशन हो रही होती है, तब इंसान भक्ति के मार्ग पर दौड़ता है कि अब हमें एक सहारा चाहिए और इस पूरी दुनिया में हमें कोई सहारा नहीं दिख रहा, तो चलो भगवान का सहारा ले लिया जाए। और आज कलयुग में आप देख सकते हैं ये स्थिति अनगिनत लोगों की हो रखी है। सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ इसलिए किया जा रहा है कि स्ट्रेस खत्म कर दिया जाए, टेंशन खत्म कर दिया जाए। ये पहले प्रकार के लोग हैं। दूसरा प्रकार वो होता है जिसमें इंसान सिर्फ इसलिए जाता है कि कुछ रिवॉर्ड्स है आफ्टर लाइफ के लिए। आप में से बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स भी होंगे जो सिर्फ इसलिए भक्ति करते होंगे कि चलो अब तो जीवन ख़त्म होने वाला है, तो अब इस जीवन के बाद हमें नरक ना मिल जाए, स्वर्ग ही मिल जाए। वो स्वर्ग की कामना के लिए इंसान भक्ति के मार्ग पर जाता है। ये है दूसरे प्रकार के लोग कि स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग के सारे स्वाद मिल जाए, अभी भी स्वाद भोगना है। नेगेटिव नहीं है कुछ भी, सिर्फ डेप्थ्स है, क्योंकि सबके अपने कर्म हैं, उन सब हर इंसान की अपनी एक लाइफ होती है, तो उसे किसी ना किसी मार्ग पे जाना ही है। अब वो कौन से स्टैंडर्ड में जाएगा, बात सिर्फ इतनी है। तो दूसरे प्रकार के कि स्वर्ग में जाना है, इसलिए वो भक्ति के मार्ग पर जाते हैं। तीसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जो आउट ऑफ क्यूरोसिटी जाते हैं। क्यूरोसिटी होती है क्योंकि बहुत सारी बातें सुनी हुई होती हैं कि ज़रा तुम कृष्ण का नाम जप के तो देखो, ज़रा तुम 1,00,000 बार जप करके तो देखो माँ काली का, तब तुम्हें जो सिद्धियाँ प्राप्त होंगी तब पूछेंगे तुमसे, और सिद्धियाँ प्राप्त हो भी जाती हैं। ज़रा 1 साल तुम करके तो देखो ये बात, ना तुम्हारी स्वप्नेश्वरी देवी सिद्ध हुई और ना तुम्हें उनके बेनिफिट्स मिले, तब हमें बताना। ये तीसरे प्रकार के लोग हैं जो क्यूरोसिटी की वजह से एंटर करते हैं भक्ति मार्ग पे। बहुत इम्पोर्टेंस है, किसी भी मार्ग से जाओ, किसी भी चाहे अपनी लाइफ में जो इवेंट चल रहा है उसकी वजह से एंटर तो करिए आप। तो भक्ति मार्ग को समझाते हुए यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि कृष्ण जी ने चार प्रकार से बताए हैं। तो तीसरा आपने समझा कि जो आउट ऑफ क्यूरोसिटी जा रहे हैं, और चौथे प्रकार के वो लोग होते हैं जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जाते हैं, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए होता है जीवन में, वो सिर्फ और सिर्फ उस मोक्ष की कामना भी नहीं होती है, सिर्फ मुक्ति करते हुए उस मार्ग पर चले जाते हैं कि हमें मुक्त हो जाना है, और वो उस भक्ति मार्ग पर चले जाते हैं। पिछला जो हमारा मेडिटेशन सेशन था उसमें हमने कुछ बहुत खूबसूरत बात जानी थी कि कैसे इंसान अपने जीवन भर का सारा ध्यान उस एक चीज़ को और ज़्यादा सशक्त करने में लग चुका है, वो है टेक्नोलॉजी। उस टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा हम, कोई भी जो जॉब्स आज डिज़ाइन हो रही हैं वो इसी डायरेक्शन में हो रही है कि हम टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा बेटर कर पाएँ।
और ह्यूमन डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ये एकदम डिफरेंट है। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बहुत ही सिंपल था, आपको सिर्फ और सिर्फ लव, लव की फीलिंग्स को हमें समझना है। और इस बार जब आप इस प्रेम की भावना को समझेंगे जो कि प्रेम योग है, इस बार आउट ऑफ विजडम समझिएगा। ये पृथ्वी आज इसलिए है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इंसानों के बीच में प्रेम आज भी एग्जिस्ट करता है। अब हमें दिखता है कि स्विगी की जॉब्स आ गई हैं, लेकिन वो स्विगी वाला जो इंसान है वो जॉब क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके मन में इतना प्रेम है अपने बच्चों के लिए, वो आउट ऑफ लव अपने बच्चे को और ज़्यादा फैसिलिटीज़ देना चाहता है, इसलिए वो एक्स्ट्रा टाइम लगा कर डिलीवरी बॉय बनकर, तो डिलीवरी बॉय बना वो, स्विगी का पूरा नेटवर्क चल रहा है लेकिन पैक में लव चल रहा है ह्यूमंस के बीच में। अभी तक हर रिलीजन में चैरिटी करी जाती है, डोनेशंस करी जाती है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है, वो होता है फियर, या फिर उसके पीछे कारण होता है भक्ति कि भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे या फिर भगवान को खुश करना है। इसलिए हम इस सेवा के भाव में आ रहे हैं, इसलिए हम लव दिखा रहे हैं दूसरे ह्यूमन बींग्स के लिए। लेकिन अब कुछ ऐसे लोग पृथ्वी पर होने चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ लव करे दूसरे ह्यूमन बींग्स से आउट ऑफ विजडम, ज्ञान की वजह से वो लव उत्पन्न होना चाहिए दूसरे लोगों के लिए। क्योंकि आप और हम सब लोग मुक्ति के मार्ग पर हैं, जहाँ पे हम सब कुछ छोड़ते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। जितना ज़्यादा आप वो सारे जो हमारी ग्रंथियाँ हैं, वो जो सारी कॉर्ड्स हैं, वो जो सारे स्टिमुलेशंस हैं, वो सारी जो हिप्नोसिस हो रखा है सब इंसानों का, ब्रेन वॉशिंग हो रखी है, कंडीशनिंग हो रखी है, मैनिपुलेशंस हो रखी है, उन सारी कॉर्ड्स को जैसे जैसे आप कट करते जाएंगे, वो इमोशनल कॉर्ड्स जो जुड़ी हुई हैं, वो सारे जो कषाय हैं वो जैसे जैसे हटते जाएंगे, उसी समय पर आपको दिखेगा कि वो प्रेम की भावना खुद से उत्पन्न होती है दूसरे ह्यूमन बींग्स के लिए। क्योंकि आप वो जो सामने वाला ह्यूमन बीइंग है, सच में उसमें आपको हर समय उसके लिए सिर्फ और सिर्फ दया की भावना आएगी। शुरुआत में आपको दिखेगा कि इस बेचारे के कर्म है इसलिए ये आज भी ऐसे फंसा हुआ है, और जैसे ही ये भावना उत्पन्न हुई यहीं से लव का जन्म होता है। तो आउट ऑफ ज्ञान, ज्ञान की वजह से लव उत्पन्न होना चाहिए आज हम सब में, चाहे भक्ति के मार्ग से नहीं हो रहा, लेकिन ज्ञान से जो प्यार और वो प्रेम उत्पन्न होता है उसकी अलग ही इंटेंसिटी होती है।